एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार और सुबह से हाउस हेल्पर का वेट करते करते 1:30 बज रहा है और मेरी हाउस हेल्प नहीं आई है और बिना बताए छुट्टी ले ली है। और इतने बर्तन है, दो सिंक भर के बर्तन है आज, क्योंकि कल बहुत सारा खाना मैंने बनाया था। मैं क्या होता है ना, खाना बना के स्टोर भी कर लेती हूँ, क्योंकि ठंड आ गई और बच्चों का भी है, इजी रहता है। तो मैं जा रही हूँ चेंज करने और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं बर्तन मांजने। हाँ फ्रैंकिश, तो मैं जाके चेंज करती हूँ, चले चलते हैं बर्तन मांज लेते हैं, इससे पहले डुकू कैमरे पे हमला कर दे। चलो चलो चलो, आज ठंड भी है और बर्तन बहुत सारे हैं यार। बर्तन का ढेर मांज दिया गया है और गैस क्लीन करनी है। अभी राजा ने मुझे काफ़ी हेल्प कर दी है करने में। और यहाँ पे कुछ बर्तन है जो मंजे हुए रखे हुए हैं, पर टोकरे में जगह ख़त्म हो गई थी। एक बार ये ट्राई हो जाए उसके बाद मैं ये लगाती हूँ, फिर इन्हें ट्राई करती हूँ, फिर लगाती हूँ। और याद देख राजा भैया, ये आजा, आज हो सके ना तो ये गैस, ये हम लोग की ना गैस उसने इतनी फर्जी जिसकी नॉब टूट गई, पता कोई 360 रोटेट हो रहा है जबकि होना नहीं चाहिए, और डुगू ऑन करके भग जाता है ये, क्योंकि काफ़ी देखो ये तो ऐसे ही, देखो ये तो बिना दबाए ये तो, और ये बंद कैसे हुआ मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बर्तनों का काम तो हो गया, मैं तो झाड़ू निकालूंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी। आज इतनी ठंड थी और हाउस हेल्प नहीं आया। सुबह से ऐसा लग रहा था हाथ वो हो रहा है आज, पता है जब बर्तन मांज भी रहे थे उस, मतलब क्या बोलते हैं, जब सुबह वो नहीं आई थी तो चाय का पैन भी नहीं था उस टाइम, बर्तन लोग मांज भी रहे, मतलब क्या बोलते, पुराना यूज किया था। और अभी भी मौसम ना ठंडा हो रहा है, हल्की सी धूप निकली, बारिश ही बारिश हो रही थी। क्या हो गया बेटा? ठंड के कपड़े पहन लिए गए हैं, जिया को भी चेंज कराया। सुर में गाना गाएंगे, आ डुगु कर दिए बच्चों ने। अरे हाय, वैसे ही बाल कंघी करने आई थी मैं और उलझा ले है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई। रेडी में क्या हो गई, मैंने बीबी क्रीम, काजल और लिपस्टिक लगाई है और आईब्रो फिल करी है। यार बहुत अजीब ढंग से हुई है, बालों में अजीब सा तेल आ गया, जबकि मैंने बाल कल ही धोए थे। सबको आना है, कंघी भी ना करूं बेटा, मैं ऐसे चुड़ैल टाइप जाऊं क्या? चुड़ैल लगूंगी फिर मैं। कंघी नहीं करने देते बच्चे यार। मुझे पता है माँ आ गई है, माँ मुझे फ्री दिख रही है, माँ कोई काम नहीं कर रही है, तो माँ मेरे को गोदी में ले लेगी। ऑफ कैमरा इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती है। मेरी कंघी और वो लेके चला गया क्लचर और उसे नीचे फेंक दिया है, और इनको यहाँ पे आना है। इसका हेयर स्टाइल देखिए बस, नया तरीके का। जियो मामा को देख के रोना शुरू है ना। क्यों रो रही थी? रुको, नहीं बेटा गिर जाओगे तुम, कल गिरे थे बेटा, हिप्स पे लग जाएगी। चलो गाना गाएंगे तुम्हारे लिए, अब जिया के लिए हम गाना गाएंगे, ठीक है? मेरी कंघी नहीं हो गई, तो डोंट माइंड मेरे बालों को। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। देखो साथ साथ गाती है, ये तो गाओ, क्या मालूम निकले तो पहले से। तेरा मुझसे है पहले का नाता।
चलो मैं गाना गाऊंगी ना, अपनी गाना गाने लगी, ठीक है? पता नहीं कंघी कब कर पाऊंगी, कौन सा जन्म में कंघी कर पाऊंगी मैं अब। मैं पता है स्पेशली किस ले जा रही हूँ, बच्चों के कपड़े लेने, बच्चों के कपड़े यानी ठंड के कपड़े लेने। डुगू के सारे कपड़े छोटे हो गए हैं, उसके पास एक भी स्वेटर लाइक एक हुडी है बाहर के लिए और एक वो भी। सोच रही कुछ ऐसा ले लूँ कि उसे घर में भी थोड़े स्वेटर वेटर चाहिए होंगे बच्चे के लिए। ये इसने जिया का पहना हुआ है, ये जिया का सॉरी ये डुगू का पहना हुआ है इसने। डुगू के बहुत सारे कपड़े हैं ठंड के और इसके लिए मैं कुछ देख के लाऊंगी। डुगू को आज ये पहनाया है, ये भी गर्म है, आ जाओ। पर इसके नीचे क्या पहनाना है वो मेरे को नहीं आ रहा है, तो मेरे को उसके लिए कुछ गर्म लोअर लेके आने पड़ेंगे। बेबी विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। कैमरा क्योंकि डुगू छीन लेगा नहीं तो। हैं ला ला व्हाइट पांडा, व्हाइट पेंट के लिए पांडा, तीन कलर के पांडा ब्लैक। अरे तुमने तो तीन कलर का पहना है, व्हाइट भी पहन लिया मैंने, ब्लैक भी पहन लिया, रेड भी पहन लिया। पिंक पहनना, पिंक टोपी लगा, पिंक बस नहीं, मैंने व्हाइट रेड और ब्लैक तीनों कलर पहन लिए, इन लुकिंग मिक्स कर दिया है। तो जिया का ना एक बटन टूटा पड़ा था उसका, मैंने अभी देखा तो उसका चेंज करा दिया, इसको टोपी पहना दी, इसको उसके सॉक्स भी पहना दी, इसके साथ के जूते थे। हाय जिया, जिया देख लो ऊपर एक बार, दिखा दो क्या मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ या नहीं लग रही। अगर लग रही हूँ तो लाइक कर देना और एक दिल दे देना मुझे, थोड़ा सा दिल दे सकते हो ना मुझे। तो चलिए हम निकल रहे हैं हम लोग इनकी शॉपिंग के लिए। जियो सो गए हैं यहाँ पे। हाय डुगू, डुगू भी सोएगा तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैंने सुला देती हूँ। करंटली 6 बज रहा है और आज हाउस हेल्प का काम करते करते अब क्या कितनी तेज हुई लाइट, लाइट ही नहीं आ रही थी। हाउस हेल्प का मैंने अपनी टोपी भी रख ली है, इसको मैंने अच्छी हुड पहना दी है क्योंकि ना वो थोड़ी हैवी भी है और इस पर टोपी भी है और ये टोपी पहनता नहीं है। जिया को मेरे को लग रहा है एकदम सही कपड़े पहना दिए, अभी जाके देखते हैं लोगों के लिए। यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों को, घर के लिए स्वेटर मेनली चाहिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो बच्चे घर पर ही रहते हैं। सॉक्स और जो भी रिक्वायरमेंट है ठंड में मैक्सिमम। सर पता कान और पैर ज़्यादा धक रखे और छाती है ना। तो चलिए चलते हैं, निकल रहे हैं और ये रहे हमारे राजा मैच लगाते हुए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है और कल पता नहीं यार क्या हुआ, इतनी सुकून भरी नींद सालों बाद आई है। कल हम लोग अपनी और बच्चों की विंटर शॉपिंग करने गए और वहाँ से हम लोग आए हैं अराउंड 9:00। एक घंटे में मैंने खाना बनाया और ना 10:30 डुगू को नींद आ रही थी, मैंने सुलाया उसे, हम सब सो गए यार 10:30। कल हम सालों बाद सोए और डिस्टर्ब बिना डिस्टर्ब हुई नींद का सुकून होता है ना वो मिला है। ये आराम से सोते रहे, उसके बाद इतनी अच्छी नींद भी खुली और अभी राजा डुग्गो जिया सोए हुए हैं। बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई है और बहुत टाइम बाद थोड़ी अच्छी धूप देखने मिली यहाँ पे। दो तीन दिन बाद धूप निकली है और मुझे पता नहीं सुबह सुबह उठ के ना छींक लग जाती, कई बार छींकें लग जाती ना कुछ सुबह उठ के, मुझे कई बार होता है ऐसा कि सुबह उठी मेरे को छींक लग गई और मुझे छींक लग गई। मैं आपको भी सामान दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या लेके आए, उसका गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं क्योंकि ये जो सर्दी की सुबह होती है ना बहुत प्यारी होती है और धूप वाली और ज़्यादा प्यारी होती है। सबसे पहले जब भी हम कहीं जाते हैं तो डुगू की कार तो ज़रूर आती है, तो वो एक कार लेके आए। तो ये जो शॉपिंग है हमने G2 से करी है, तो मैंने अपनी राजा ने अपनी जिया और डुगू सबका सामान इसमें है। तो बहुत सारे लोगों को आज की ब्लॉग में मतलब जो कल का ब्लॉग गया था तो शिकायत थी कि बच्चों ने पूरे कपड़े नहीं पहने, तो जिया के पास थे डुगू के सारे कपड़े ना छोटे हो गए
पिछले साल के, तो उसके पास कपड़े इतने थे ही नहीं थर्ड वाले। फुल स्लीव की बुटीक वगैरह मैं उसके लिए लेके आ गई थी दिवाली के टाइम पे, जो कि वो पहन रहा था, और बाकी में एक दो कपड़े और लेके आ गई। तो सबकी शिकायतें अब इस आने वाली वीडियो में दूर जाएगी। बच्चों को यार ठंड लगती है, और मेरे को भी ठंड लगती है, पर मेरे को इतनी ठंड नहीं लगती। जैसे बहुत ठंड है तो मैं पहन के रखती हूँ, सभी मैंने नहीं पहन के रखा सुबह, तो मैं रात में तो बिल्कुल नहीं पहन सकती। चूड़ियों की आवाज आ रही है, तो ये देखिए। सबसे पहले तो ये मैं अपने लिए एक लेके आई हूँ, या ऐसे पोचो बोलते हुए कहते हैं, इतना हंसी आती है, कुछ बोलती है तो कुछ बोलती नहीं, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, बट ये जो है ना, ये मुझे इसका कलर बहुत शरार था, साथ में इसका जो ये है ना, ये बहुत शरार था। मैं अपने घर भी जाने वाली हूँ, बीच में भी अभी कोई रिजर्वेशन हुई नहीं है, तो पहले से इंतज़ाम करते हुए जाएंगे। तो एक ही लेके आए, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये देखिए। तो ये लेके आए, इसमें ना नीचे ये भी लटके हुए हैं, और ये वुलन गर्म है, और इसका ये वाला पैटर्न बहुत शरार था स्पेशली, और ये कलर अगर भी मैं कहीं शादी वादी में भी जाना हुआ ना, तो उस क्रिप से लेकर साड़ी पे अच्छे लगते हैं। साड़ी वाड़ी पहन लें आप जा सकते हैं आराम से। तो वो एक ये लेके आया है, तो पहले मैं डाउटफुल थी कि ये लूँ या नहीं लूँ, फिर राजा ने बोला कि यार ये अच्छा लग रहा है, ले लो। तो एक मैंने ये लिया है, उसके बाद फिर पहले अपना दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद मैंने ना एक ये हुड में लिया है, और ना ये जो है ये काफी ज्यादा गर्म है, इसमें दो कलर वहां पे मिल रहे थे, तो ये एक ब्लू मिल रहा था पर एक मिल रहा था पिंक, तो मेरे को लगा पिंक लेते हैं। ये इसमें ये भी मिल जाएगी ऐसे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो एक ये लिया है V2 से। एक मैंने ना ये एक हाईने टाइप का था, वो दिखाऊंगा मैंने कहा है। फिर अब आते हैं हम डुगू की शॉपिंग पे। डुगू के लिए मैंने एक जैकेट ले लिया यार, ये देखिए, ये जो है ये 4 to 5 years की जैकेट ली है, इसे अगले साल भी काम जाएगी। थोड़ी सी ओवर साइज रहेगी इसे, बट इसे अगले साल भी काम आ जाएगी। तो जो साइज थे वहाँ पे थे 2 to 3 और 4 to 5, वो बोला था 3 to 4 नहीं मिलते हैं, नहीं आते हैं। तो अगर आप V2 जाएंगे वहाँ 3 to 4 नहीं मिलेंगे, 2 to 3 या 4 to 5। तो ये 4 to 5 वाला लिया। इसका कलर बहुत अच्छा है, काफ़ी हैवी जैकेट है, और आराम से बच्चा पहन भी लेगा। तो एक है मेरी जैकेट भी खरीद के लिया है। उसके बाद फिर यहाँ से एक थैला खाली करते हैं। ये जिया के लिए, ये बहुत प्यारे लग रहे थे, इसे मैंने ना 3 कलर लिए हैं इसके लिए। ये है एक, और ये एक ठंडी है, 2 है, और ये है पिंक कलर। तो एक ब्लू, पिंक और एक वाला कलर लिया है। तो जिया के पास सामान बहुत सारा है अपने ठंड के लिए, पर बच्चों के लिए जाते हो तो आपको मन करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो 3 जोड़े मैं इसके लिए ये लेके आ गई। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक हाई नेक टाइप के, ये फुल है, हाई नेक नहीं सॉरी, ये फुल स्लीव की टी शर्ट है, और ना ये ठंड रोकने के लिए नहीं है, बट अंदर पहन के आप जा सकते हो। एक ये लिया है। उसके बाद ना मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये जिया के लिए है, ये है फुल, उसमें कैप बहुत प्यारी थी, इसमें रेड कलर की जैकेट टाइप की है। तो ये जिया के लिए, और उसे वहाँ पहना के देखी थी, बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी, और ये अभी क्रिसमस भी आ रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो एक ये है। उसके बाद बच्चों के लिए सॉक्स आई है, बच्चों के लिए टोपी आई है, बच्ची के लिए आई है। डुगू टोपी नहीं पहनता, तो उसके पिछली बार मोंकी कैप खरीदी थी, बड़ी मुश्किल से पहनता था यादव लोग, तो अभी भी वही इशू है, मैं सुबह पहना रही थी नहीं पहन रहा था, तो देखते हैं अब क्या पहनेगा सब। तो ये वाली एक लाए है, और एक बहुत क्यूट लग रही थी जिया।
तो ये डुगू की सॉक्स है, ये जिया की सॉक्स है। फिर यहाँ पे डुगू के लिए एक ये बॉडी वार्मर लेके आई, वो भी 4-5 का है, ये है थर्मल है। तो ये खत्म हो गए थे वहाँ पे, तो एक वाइट ही बचा था, तो एक ये वाइट लेके आ गई थी अंदर डालने के लिए। उसके बाद फिर डुगू के लिए एक ब्लू में हुडी लेके आए हैं, ये भी है 4-5 ईयर्स की हुडी और ये अच्छी लग रही थी, ये एक ले आए। फिर एक ये हुडी है, सॉरी ये डुगू के लिए लोअर लेके आए, गरम लोअर है। उसके बाद फिर ये है एक ग्रीन में डुगू के लिए, फिर भी और देख लेंगे। बीवी ने थर्मल भी लिया, जैकेट भी आया ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसी से कवर हो जाएगी। देन फिर ये राजा अपने लिए एक हुडी लेके आया है, और फिर यहाँ पे राजा अपने लिए कैप्स लाइक टोपा भी लेके आया है। तो कितना सवाल हम लोग लाए, हाँ एक और चीज सबका आ गया, और ये आ गया एक कंबल। तो ये कंफर्टर आया है लग्जरी सुपर सॉफ्ट सॉफ्ट माइक्रोफाइबर बेड का, ये कंफर्टर भी एक आया है हैवी टू से। तो ये कंफर्टर भी, ये अभी मैं खोलूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, मैं तो खोल नहीं रही। तो ये एक कंफर्टर है जो कि लेके आए हैं, देखिए इसका प्रिंट जो है ना वो सामने बना हुआ है ये वाला, तो ये कंफर्टर है। आई जस्ट होप ये अच्छा और गर्म है। बच्चों वाले घर में जितने कंफर्टेबल कंफर्टर या ये सब चीज़ें रहे ना उतना कम है। मैं सबको फोल्ड करके रखने वाली हूँ क्योंकि ये सब फैल जाएंगे इसीलिए। उसके बाद में मैं अपने लिए कुछ सामान लाई थी, ये रेज़र का पैक है, आप तो लगते रहते हैं रेज़र। उसके बाद ये टूथब्रश, एक टेडी बियर वाला है, यहाँ बैठ जाती हूँ, यहाँ पर दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा लड़के वाला सामान है। तो एक ये वाला टूथब्रश है और ये एक टेडी बियर वाला टूथब्रश है। उसके अंदर वहाँ पे नेल पेंट बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, मेरा बहुत मन करता था पर लेके नहीं आ पाती थी। तो एक मैंने ये कलर लेके आई हूँ नेल पेंट का, ये वाला, और फिर एक टेक्सचर्ड नेल पेंट है। इसमें मेरे पास वाइट एंड ब्लू है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, ऑनलाइन ही पता कितने की मिलती है, 110-120 की, वहाँ ये 40 रुपीज़ की मिल गई। तो ये 40 रुपीज़ की नेल पेंट है। उसके बाद फिर ये वाली भी 40 रुपीज़ की है रेड, और मैं अभी एक चेंज कर रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं ना, लगा लूँगी। ये वाली भी है 40 रुपीज़ की ब्लू, और एक ये नेल पेंट रिमूवर लेके आई, मेरा वो सूख गया है। और एक है अच्छा, ये जल्दी से मैं थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह चेंज करती हूँ, चल के चाय बनाते हैं गरम गरम। और यार इतनी सुकून की नींद आई ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा शांति हुई मेरी नींद ना, बहुत टाइम बाद पूरी हुई है। जब आपकी नींद पूरी होती है ना तो आप हैप्पी उठते हो, मैं बहुत खुश उठी। और मैं उठ बहुत पहले जाती, 2-3 बार टाइम देखा मैंने, फिर मेरे को लगा यार सो जाते। मेरी आँख खुली थी 5:30, फिर 6:30, फिर 7:30, फिर 8 बजे मुझे लगा यार उठ जाओ। फिर अभी क्या है ना, बच्चे मेरे को लगा उठेंगे, तब तक मैं थोड़ा घर भर साफ कर लूँगी, क्योंकि घर आप तभी साफ कर सकते हो जब आपके जो बच्चे हैं वो सो रहे हो, स्पेशली एक टॉडलर है वो सो रहा हो। तो चलिए मैं जल्दी से नेल पेंट चेंज करती हूँ, चाय चढ़ाते, चाय बनाते, चाय पीते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? तो उठ गई है जिया, और इसको मैंने बना दिया है टोपा। जिया क्या हुआ? अच्छा आपको भी बात करनी है। ओए 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 देव,
तो ये उठाएंगे, अभी कुछ पहन नहीं रहे, उठते साथ ही कुछ नहीं पहनते, तो उसको पहनाएंगे। अभी चाय बनने लगी है और यहाँ पे मैं और जिया चले। तो मेरी चाय हो गई है, राजा की चाय आ गई है, राजा पीएंगे अपनी गर्म गर्म चाय। चाय राजा को मैंने भी डाल दिया था ना चाय की, पहले राजा चाय नहीं पीते थे, अभी भी ऐसे मांगते नहीं है। सबके पति जैसे रहते हैं ना, शाम में आए चाय मांगे कुछ मांगेंगे, राजा लाइक कभी चाय नहीं मांगते उन्हें। कभी उनका गला वाला खराब रहा है तब उन्होंने कहा कि चाय बना दो कुछ बना दो, है ना। हाँ है ना, हाँ अभी दिखाऊंगा मैं। तो डुगू को मेरे को ना कपड़े ट्रायल करके देखने, देखो ट्रायल कर कर आएगा जैकेट, देखो एक बार देखो, देखते हैं। ओए ओए प्यार देखो उसका, चीटिंग इसने लेके बुग्गू रखा है, पापा ने क्योंकि जिया को लेके रखा है। देखो जिया कितनी अच्छे से कवर है डुगू, ये देखो सेम वही कर रहा है ये ऐसे ऐसे। मुझे बच्चों को ठंडे कपड़े पहनाना बहुत बड़ा टास्क लगता है, हाथ घुसाना स्पेशली। हाँ नहीं पहन रहे, भाग रहे यही यही मुसीबत है आपको पता है। नहीं पहन रहे, आओ पहन लो, ठंडी है ये, मैं ठंडी ठंडी अंडे को ऐसे पहनते हैं, ऐसे ऐसे आ नॉर्मल वो नहीं पहनता ये, एक बार में ये कहाँ से पहने, पहनाना पड़ेगा। बच्चों के साथ बहुत दिक्कत है यार, स्पेशली इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ बहुत दिक्कत है। पहले मुझे जिया को चेंज करके दिखाना पड़ता है कि जिया कुछ पहन रही है, उसके बाद जाके वो चेंज भी करने को तैयार होता है। ये पहन के देखोगे, देखो देखो ना क्या देखो यार। कपड़े यहाँ पे सुखा दिए हैं, ये रहे, ये रहा डग्गू खेलते हुए बोजो के साथ, बोजो ने पूपू कर दी है यहाँ पे। तो मैं आपके कैमरे में दिखाऊं। तो वो अपने काम करते हुए घूम रहा है, धूप निकली थी ना तो आज इन लोगों को छत पे ले आए हम लोग, पर अब धूप चली गई है तो मेरे को लगा ये भी धूप खा लेगा, इसको नहला देंगे, पर अभी धूप चली गई तो उसको नहलाने का कोई मतलब नहीं है कि हम बोजो को नहलाएंगे, और फिर ठंडक सी हो रही ना तब खराब हो जाएगी। इसको हम इसलिए लेके आए कि यहाँ पे वो हो जाएगा। चलिए ऐसे कपड़े भी लेके आना, बोजो के कपड़े का काम बचा है। इनके कुछ कपड़े सुखा दिए हैं, अब देखते हैं उसको नहलाते हैं, नहलाते वैसे धूप चली गई है यार। अब मैं थोड़ा खाना वाना बनाऊंगी। चलिए अभी करिए मैं यहाँ पे इस वीडियो के एंड में, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये ब्लॉग चलता रहा तो ये ब्लॉग
खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मुझे नेक्स्ट पेज निकले।